हेलो फ्रेंड्स, कोर जावा सीखने की इस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रोटेक्शन इन पैकेजेज इन जावा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैकेजेज के बारे में थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था और देखा था कि कैसे हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैकेज में एक्सेस प्रोटेक्शन क्या क्या लिमिटें हैं, कि पैकेज की क्लास को हम कहाँ पैकेज के बाहर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं और कौन सी को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। इनको बोलते हैं एक्सेस प्रोटेक्शन, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि हम पैकेज को यूज कैसे करते हैं। पैकेज को हम क्रिएट करना तो हमने देख लिया था, अगर उसको यूज करना है तो उसको इम्पोर्ट कैसे करते हैं, हम पैकेज को कैसे यूज कर सकते हैं, ये दो बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू यूज पैकेज, ठीक है। हमने पैकेज बनाना हमने सीख लिया है, अब उसको हम यूज करना चाहें, किसी पैकेज की क्लासेज को हम यूज करना चाहें तो उनको हमारे प्रोग्राम में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं इम्पोर्ट कीवर्ड के द्वारा, ठीक है। इसके तीन मेथड हैं, मैंने यहाँ पे दो ही डिफाइन किए। हम अभी इस स्लाइड के एंड में हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा प्रोग्राम बना के कि हम पैकेजेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पर तीनों मेथड डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहला है इसमें इंपोर्ट और पैकेज का नाम, ठीक है, और डॉट स्टार करते हैं तो हम क्या करते हैं उस पैकेज की जितनी भी क्लासेज हैं उन सबको एक साथ इम्पोर्ट कर लेते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं फिर। और या फिर हम इंडिविजुअली वन बाई वन इम्पोर्ट पैकेज का नाम और डॉट जिस क्लास को हम यूज करना चाहते हैं इंडिविजुअली उस क्लास को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी डिस्कस करेंगे तो अच्छे से और समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे एक्सेस प्रोटेक्शन इन पैकेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर चार कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, ठीक है। देर आर फोर कैटेगरीज प्रोवाइडेड बाई जावा रिगार्डिंग द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स बिटवीन क्लासेज एंड पैकेजेज। मतलब कि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है इसको हम डिस्कस करेंगे, जो एक्सेस है कहाँ कहाँ इसको एक्सेस कर सकते हैं पैकेज की क्लासेज को। तो सबसे पहले इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहली कैटेगरी है कि सब क्लास इन द सेम पैकेज, मतलब कि एक पैकेज है और उसमें कोई क्लास है उसकी सब क्लास है वो भी सेम पैकेज में है, ठीक है, एक कैटेगरी ये है। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि कोई नॉन सब क्लास है बट उसी पैकेज में एक क्लास है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है कि सब क्लास है बट डिफरेंट पैकेज में है, मतलब कोई डिफरेंट पैकेज में क्लास है बट वो दूसरे पैकेज की सब क्लास है तो उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम अभी बात करेंगे आगे, अभी हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और चौथी है कि डिफरेंट पैकेज है और सब क्लास भी नहीं है, मतलब नॉन सब क्लास है और डिफरेंट पैकेज है। तो अभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगा, हम इसको टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज अभी हमने डिफाइन की थी, सेम क्लास, ठीक है, और सेम पैकेज में सब क्लास है और सेम पैकेज नॉन सब क्लास है और डिफरेंट पैकेज की सब क्लास है, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास है, ठीक है। ये चार कैटेगरीज हमने यहाँ पर डिफाइन की थी। तो और ये आपने पढ़ाई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। और नो मॉडिफायर होता है अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होते हैं उसको बोलते हैं नो मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेम क्लास, ठीक है, मतलब कोई क्लास है तो उसके मेथड और उसके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको अगर वो प्राइवेट है तो खुद तो एक्सेस कर ही सकती है क्योंकि उसी क्लास के हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट हो चाहे प्रोटेक्टेड हो चाहे पब्लिक हो चाहे डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर हो, सबको वो क्लास एक्सेस कर सकती है क्योंकि वो खुद क्लास के ही मेथड्स और वेरिएबल हैं तो उनको एक्सेस कर सकता है, मतलब सेम क्लास वाले, सेम क्लास है वो उनके मेथड्स को एक्सेस कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि सेम पैकेज में हैं बट सब क्लास है, ठीक है, मतलब एक पैकेज है जिसमें कोई क्लास है उसमें उस ही क्लास की एक सब क्लास भी है उसी पैकेज में, ठीक है, मतलब सेम पैकेज में सब क्लास है तो वो उस पेरेंट क्लास के कौन कौन से वेरिएबल्स को मेथड को एक्सेस कर सकती है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्राइवेट को वो नहीं डिस्कस कर सकती, ठीक है, सब क्लास है बट सेम पैकेज में तब वो प्राइवेट को डिस्कस नहीं, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकती है। और बाकी के तीनों हैं
इनको ये एक्सेस कर सकती है। ठीक है, बेसिकली आपको ये टेबल याद रखनी है, ठीक है, इसमें ऐसा समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। और फिर सेम पैकेज में है बट नॉन सब क्लास है, ठीक है, सेम पैकेज में कोई नॉन सब क्लास है तो वो प्राइवेट को भी एक्सेस नहीं करेगी, ठीक है, प्राइवेट को तो एक्सेस करेगी नहीं और बाकी के तीनों को एक्सेस करेगी। इसी तरीके से सब क्लास है बट डिफरेंट पैकेज में है, दूसरे पैकेज में कोई सब क्लास है तो वो प्राइवेट को भी एक्सेस नहीं करेगी और नो मॉडिफायर वाले उनको भी एक्सेस नहीं करेगी और प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस कर सकती है। इसी तरीके से डिफरेंट पैकेज में नॉन सब क्लास है वो प्राइवेट, नो मॉडिफायर और प्रोटेक्टेड तीनों को एक्सेस नहीं करेगी, ओनली पब्लिक को एक्सेस करेगी। ठीक है, तो ये आपको टेबल थोड़ा इसको देख लेना है, एक बार आपको याद कर लेना है, मतलब समझ लेना है, इसमें समझाने का ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनको कैसे आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक है, पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड है, ये सब जगह एक्सेस हैं, ठीक है, ये ऑलवेज एक्सेस है। पब्लिक को हम हमेशा कहीं भी, चाहे वो पैकेज में हो, चाहे विदाउट पैकेज हो, चाहे सब क्लास हो, चाहे नॉन सब क्लास हो, वो पब्लिक को हमेशा एक्सेस कर सकते हैं हम कहीं भी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइवेट के केस में सिर्फ प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनको सेम क्लास ही एक्सेस कर सकती है, बाकी में सब में नो है, बाकी को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ प्राइवेट मेथड्स को वो खुद क्लास जिसके वो हैं उन्हीं वही क्लास एक्सेस कर सकती है ओनली। ठीक है, पब्लिक को सब एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को सेम क्लास एक्सेस कर सकती है और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। इसी तरीके से नो मॉडिफायर में, नो मॉडिफायर में आप देख सकते हैं कि सब जगह एक्सेस कर सकते हैं उस पैकेज के अंदर, चाहे वो सब क्लास हो या सब क्लास नहीं हो, बट उस पैकेज में होना चाहिए। हम इधर देख रहे हैं ओनली डिफरेंट पैकेज में जाएगा तब नो मॉडिफायर को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम पैकेज में चाहे वो सब क्लास हो चाहे नॉन सब क्लास हो, नो मॉडिफायर को एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड को आप सब जगह एक्सेस कर सकते हैं, बस डिफरेंट पैकेज में नॉन सब क्लास है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया कैसे याद रखना है, अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं, एक क्लास कैन हैव ओनली टू एक्सेस मॉडिफायर, वन इज डिफॉल्ट एंड अनदर इज पब्लिक। इसका मतलब ये है कि एक क्लास हम जो डिफाइन करते हैं उसमें सिर्फ हम दो मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, या तो हम क्लास को पब्लिक डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसके साथ हम कोई भी मॉडिफायर यूज ना करें, डिफॉल्ट मॉडिफायर को रहने देते हैं। ठीक है, क्लास में हम दो ही मॉडिफायर यूज कर सकते हैं क्लास के साथ। ठीक है, तो अगर हम पब्लिक यूज करते हैं क्लास के साथ, पब्लिक मॉडिफायर, क्लास को पब्लिक डिफाइन करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि पब्लिक क्लास हैज एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बाय एनी अदर कोड। मतलब अगर हम पब्लिक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास को हम पब्लिक डिफाइन करते हैं, तो उसको हम कहीं भी किसी भी कोड में एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर हम उसको डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर रहने देते हैं, मतलब उसको हम कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर रहता है, तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं कैन बी एक्सेस विद इन द सेम पैकेज। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एक क्लास है उसमें हम दो मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, ओनली पब्लिक और डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। अगर पब्लिक है तो उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कोड में, और अगर डिफ़ॉल्ट है तो उसको विद इन पैकेज एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सेम पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं, किसी डिफरेंट पैकेज में हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ थ्योरी पार्ट, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें हमने एक्सेस प्रोटेक्शन के बारे में बात करी है, और हमने यहाँ पर बोला था कि हम कैसे पैकेज को इम्पोर्ट करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अब नोट पैड पर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं तीन क्लासेस बनाऊँगा, क्लास ए, क्लास बी और एक मेन, जिसमें मेन क्लास रहेगी, ठीक है वो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं एक क्लास ए बनाऊँगा, ठीक है, और क्लास बी बनाऊँगा, इन दोनों को मैं एक पैकेज में रखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ पैकेज माई पैक, ठीक है, ये पैकेज है और मैंने पैकेज का नाम दिया, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे पैकेज हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक एक पैकेज बन जाएगा माई पैक नाम से, और ये क्लास ए है जो उसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्लास को मैंने पब्लिक यहाँ पर डिफाइन कर दिया है,
और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका एक कंस्ट्रक्टर भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसको मैं पब्लिक डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ एक मैसेज, कि क्लास इज कंस्ट्रक्टर इज कॉल, ठीक है, कि ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। और यहाँ पर मैं एक पब्लिक वॉइड, लेट से एक फंक्शन बना देता हूँ टेस्ट ए, ठीक है। एक फंक्शन भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है पब्लिक, और इसमें भी मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, कि क्लास इज मेथड इज कॉल्ड, ठीक है। तो कम हमने एक क्लास बनाई है क्लास ए नाम से, ठीक है, और इसको हमने माई पैक नाम के एक पैकेज में यहाँ पे पैकेज डिफाइन किया है, जो इस पैकेज में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम इसी तरीके से मैं एक क्लास बनाऊँगा दूसरी क्लास बी, जिसको भी मैं सेम पैकेज में ही रखूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ क्लास बी, और ये क्लास बी का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसी तरीके से मैं क्लास बी का मेथड बनाऊंगा, तो यहाँ पे बी कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं बी कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर दो क्लासेज हमने बना लिए, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। और दोनों को हमने माई पैक नाम के पैकेज में, मतलब पैकेज में डिफाइन किया है, उस पैकेज में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जैसे हम इनको कंपाइल करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं थर्ड क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर मैं थर्ड क्लास बनाता हूँ जिसमें हम इन दोनों क्लास को यूज करेंगे, मतलब कि उस पैकेज को हम यूज करेंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी मैं इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम मेन मेथड डिफाइन करेंगे। लेट से मैं इसको नाम देता हूँ पैकेज डेमो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं मेन मेथड डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ARGS। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास ए को और क्लास बी को यूज करूँगा, तो मैं इनके मेथड्स को यहाँ पर, सॉरी, इनके यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट से मैं क्लास क्लास ए का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लेट से A1, और यहाँ पर मैं ये कंस्ट्रक्टर बन गया है। तो अब मैं A1 के द्वारा मैं जो क्लास ए का मेथड है टेस्ट ए, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लेट से B1, और मैं यहाँ पर ये बी का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इसी तरीके से मैं B1 से जो बी का एक मेथड है टेस्ट बी, उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अभी डायरेक्ट, क्योंकि ये जो क्लासेज हैं ये दूसरे पैकेज में हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दूसरे पैकेज में हैं, एक बार इनको मैं रन करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लास ए डॉट जावा फाइल ये है, क्लास बी डॉट जावा फाइल ये है, यहाँ पे कोई पैकेज अभी नहीं क्रिएट हुआ है। जैसे ही हम इन क्लासेज को कंपाइल करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिक पैकेज क्रिएट हो जाएगा, ये दोनों क्लासेज उसमें क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना हम अभी करके यहाँ पर देख लेते हैं, मैं एक बार कंपाइल करवा के दिखा देता हूँ आपको, फिर हम समझेंगे कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था जावा सी से कंपाइल पैकेज के केस में करवाने का तरीका ये होता है, यहाँ पर एक मिनट, सबसे पहले मेरे को जहाँ पर प्रोग्राम फाइल है उस फोल्डर में जाना होगा, और अब मैं जावा सी से यहाँ पर मैं क्लास ए डॉट जावा फाइल है इसको कंपाइल करवा चुका हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं जो क्लास बी है उसको यहाँ पर कंपाइल करवा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं देखते हैं, यहाँ पर हम ये क्लास अपने प्रोग्राम रन करवाया तो ऑटोमेटिक पैकेज क्रिएट हो चुका है, और इस पैकेज में दोनों क्लासेज क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, मतलब कि इस पैकेज की जो क्लासेज हैं उनको हम यूज करेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है, जो कि हमारा प्रोग्राम ये है मेन फंक्शन, जिसमें हम लिखेंगे
तो इसमें हम अब इनको यूज़ करेंगे इस फाइल में, ठीक है। तो अब यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने यूज़ किया है A1 को यूज़ किया, मतलब A1 का ऑब्जेक्ट बना के हमने A1 के एक फंक्शन को कॉल किया। इसी तरीके से B को यूज़ किया हमने, क्लास B का ऑब्जेक्ट बना के B के मेथड को कॉल किया। बट अभी मैं इसको रन करवाऊंगा तो इसमें एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्लासेज हैं किसी दूसरे पैकेज में हैं और ये क्लास है जो उस पैकेज के बाहर है, ठीक है। तो अभी तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं इनको, ठीक है, क्लास A को और क्लास B को, तो इसमें एरर आएगी। तो हमें वही देखना है कि इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस करने का तरीका होता है, मैंने बताया था तीन मेथड हैं, तीन तरीके हैं, हम तीनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है, एक पैकेज में कितनी भी क्लासेज हो सकती हैं, हमारे केस में अभी उस पैकेज में सिर्फ दो क्लासेज हैं, क्लास A और क्लास B, ठीक है। कितनी भी क्लासेज हो सकती हैं पैकेज में, तो हम इंडिविजुअली किसी क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम उसका पाथ यहाँ पे दे सकते हैं इम्पोर्ट कीवर्ड के साथ। तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, इम्पोर्ट कीवर्ड इम्पोर्ट और उसके बाद पैकेज का नाम, ठीक है, जो है माई पैक डॉट करके कौन सी क्लास को आप उस पैकेज की कौन सी क्लास को यूज करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। लेट से मैं जो क्लास A है इसको यूज़ करना चाहता हूँ उस पैकेज की, ठीक है। इसी तरीके से मैं B को भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे सेम B के लिए भी इंपोर्ट करना होगा पैकेज नेम डॉट उस क्लास का नेम, ठीक है। तो मैंने दोनों क्लासेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया क्योंकि मैं दो क्लासों को यहाँ पर दोनों को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा इंडिविजुअली दोनों क्लासों को, ठीक है। ये पहला मेथड है कि इंडिविजुअली हम जिस क्लास को यूज करना चाहते हैं उन क्लासेज को इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो यहाँ पर ये रन होना चाहिए क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिया। ये भी हमने देखा है कि कैसे हम इंपोर्ट करते हैं उस पैकेज को या पैकेज की क्लास को, ठीक है। ये पहला मेथड है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार अगर सेव करके एक बार रन करवा के बताता हूँ, तो अब हम क्या करते हैं, जावा सी जो मेन फंक्शन है, मेन फाइल है हमारी, इसको रन करते हैं, देखते हैं सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और रन करेंगे जावा कमांड से तो रन भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देख रहे हैं कि एज कंस्ट्रक्टर कॉल, ऐसे ए का मेथड कॉल और बी का कंस्ट्रक्टर और बी का मेथड कॉल हो चुका है, मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर हमने इन दोनों क्लास को यूज किया है तो हमने दोनों को इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे यहाँ पर इंपोर्ट ना लगाना चाहें, ठीक है, ऐसे हम इंपोर्ट ना करना चाहें तो दूसरा तरीका है कि आप जहाँ पर क्लास को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको पूरा मेथड देना होगा, वहाँ पे बताना होगा कि ये क्लास कहाँ पे है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लास A को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट पाथ देना होगा, जैसे माई पैक डॉट, मतलब माई पैकेज में ये क्लास है तो हमें यहाँ पर ऐसे पाथ देना होगा अगर हम ऐसे ना करना चाहें तो। पहला मेथड तो ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है कि अगर ऐसे ना करना चाहें तो हम यहाँ पर कंप्लीट पैकेज का नाम देना होगा। इसमें हम इसका ये डिसएडवांटेज है कि हम जितनी बार जहाँ भी क्लास को यूज़ करेंगे हमें ये नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूज़ किया है तो हमें कंप्लीट ये नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पे भी हमें कंप्लीट ये नाम देना पड़ेगा। ऐसे बी यूज़ कर रहे हैं तो बी को भी यहाँ पर कंप्लीट, जितनी बार हम जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे सबको ये कंप्लीट पाथ हमें देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ऐसे इंपोर्ट ना करना चाहते हैं। या तो ऐसे इंपोर्ट कर लो एक बार तो फिर बार बार आपको डिफाइन नहीं करना होगा, ऐसे इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे तो दूसरा मेथड ये है, मैं बता रहा हूँ तीनों मेथड बताऊँगा, करना आपको ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे तो करना ही नहीं है, ठीक है, पर पता तीनों मेथड होने चाहिए। तो मैंने इंडिविजुअली दोनों को इंपोर्ट करवा लिया है, मतलब सॉरी यहाँ पे क्लास बनाया तो यहाँ पर पाथ दे दिया, तो अब भी इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। अगर मैं इसको दोबारा से रन करके चेक करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आई है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और ये सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है, ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर तीसरा मेथड है कि आप ऐसे ना करके डायरेक्ट पूरे पैकेज में जितनी भी क्लासेज हैं उनको ही एक्सेस कर लो, मतलब पूरे पैकेज को ही आप इंपोर्ट करवा लो। तो इसका भी कीवर्ड होता है डायरेक्टली इंपोर्ट और पैकेज का नाम, ठीक है। अब इस पैकेज में डॉट करके अभी तो हमने क्या किया था, जैसे क्लास A को इंपोर्ट करते हैं तो क्लास A का नाम यहाँ पे डिफाइन किया था, पर हम क्या चाहते हैं कि इस क्लास में, इस पैकेज में जितनी भी क्लासेज हैं सबको इंपोर्ट कर लें, तो पैकेज का नाम डॉट करके आप स्टार यहाँ पे लगाना होगा। तो स्टार का मतलब है कि इस पैकेज में जो भी क्लासेज हैं उन सबको एक साथ इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम बाद में
कहीं भी उस पैकेज की सारी क्लासेस को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम यहाँ पर हमने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी, ये भी सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों मेथड हमने डिस्कस किए हैं इंपोर्ट करने के। पहला मेथड है कि हम पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डॉट और स्टार करके उसकी सारी क्लासेज इंपोर्ट हो जाएंगी। दूसरा मेथड था कि हम यहाँ पर स्टार की जगह इंडिविजुअली किसी क्लास को यूज करना चाहते हैं तो उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है इंपोर्ट करने का कि हम यहाँ पर जहाँ भी यूज कर रहे हैं वहाँ पर हमें कंप्लीट पाथ हम डिफाइन करें। तो इन तीन मेथड से, तीन तरीके से आप क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं हम। तो पैकेज की दूसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेस प्रोटेक्शन। हमने यहाँ पर जो अभी डिस्कस किया है एक्सेस प्रोटेक्शन, ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो इसको भी मैं प्रैक्टिकली करके अगली वाली वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर पैकेज को हम फिर फिनिश करेंगे अगली वाली वीडियो में। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी पार्ट देखा है कि एक्सेस प्रोटेक्शन के बारे में, कैसे हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अब अगली वाली वीडियो में कंप्लीट मैं एक प्रोग्राम के द्वारा इसको समझा के बताऊँगा, आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। अभी इसमें नहीं बता सकता क्योंकि इसका प्रोग्राम है जो काफ़ी लेंथी होगा, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।